उडुपी के बाद कुंदापुर और शिमोगा, ऐसा कई कॉलेजेस में इस तरह से रोक लगाई जा रही है, उस पर आप बताइए सर। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट चला है। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, काम नहीं है लोगों के पास, तिजारत हो नहीं रही है 2 साल से, तो एक थोड़े ऑर्गेनाइजेशंस मिल के ये बच्चों को परेशान कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि हमारे को ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ वर्क, और आर्टिकल 25 से 28 तक के आप देखेंगे कि हमें पहनने का, उड़ने का पूरा हक है जी। और ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली ही नहीं है, अगर हम इंडियन कल्चर देखते हैं, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाइए, चाहे कोई भी मज़हब के हो, एक कल्चरल हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है कि हम सर पे या तो पल्लव बोलते हैं या सर ढाकना बोलते हैं, दुपट्टा या दुपट्टा है, या अगर आप राजस्थान को जाएंगे तो घूंघट करते हैं। ये हर धर्म में अलग अलग चीज़ है, लेकिन सर पे कुछ ओढ़ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ये अपना एक कल्चरल है हमारे वतन का। साथ ही साथ पगड़ी पहनना, पटका पहनना, टोपी पहनना, ये भी हमारे एक देश का कल्चर है, एक वतन का कल्चर है हमारे पूरे देश का। और ये लोग जो कर रहे हैं, क्यों नहीं समझते कि ये हमारे वतन के कल्चर के अगेंस्ट में कर रहे हैं। हमारे वतन के कल्चर के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। जहाँ हिजाब का मामला है, तो ये तो बच्चियाँ अपने सर ढक रही हैं, जैसे चलते आया है हजारों साल से हमारे वतन में चलते आया है। मतलब ये आपका नहीं है, ये तो चलते आया, ये तो ज़माने से चलते आया है, ये कोई एक धर्म का करके नहीं है। हिंदू धर्म में भी है जो पल्लव, आज भी आप देखेंगे तो अक्सर औरतें हमारे हिंदू बहनें, और ज़्यादा करके आप पुराने जो लेडीज़ देखेंगे सर हमेशा पल्लू से कवर करके रहते हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी धर्म के हो। आप क्रिश्चियंस में भी जाइए, आप हिंदू धर्म में भी जाइए, आप बौद्ध में भी जाइए, है बच्चा औरतें अपना सर ढकते ही हैं। और ये कर रहे हैं, परसों रोज हमने जाके बेंगलोर में, मैं हमारे MLC नासिर अहमद साहब, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन जब्बार साहब, और कुछ हमारे सलीम खतीब साहब, हम सब मिल के सिद्धरामैया साहब से जाके मुलाकात की है। बोले जाके आप और हमारे पार्टी के अध्यक्ष DK कुमार जी हैं, और जाके बॉम्बे साहब से मिले CM से, और आप एक बैठ के इसको रिजॉल्व कीजिए। बच्चों के एजुकेशन का मामला है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, और जहाँ एजुकेशन का मामला आता है, ये पॉलिटिकल गेट रहना चाहिए। कोई कुछ शॉल पे भी आएगा, कुछ करेगा, कुछ नहीं है। जहाँ एजुकेशन आज सफ़र हो रहा है, हमारी बेटियाँ बाहर बैठी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें अलाउ करता है तो कौन हो सकता है रोकने वाला। ये मामला तो कोर्ट में चला गया है, तो ये मंगल दिन शायद कोर्ट की तारीख भी है, और देखेंगे कोर्ट से भी हमें उम्मीद है कि हमारे को इंसाफ मिलेगा और हमारे बच्चों को इंसाफ मिलेगा और एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है एक बच्ची के बारे में जो साई मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, हिजाब के बारे में, तो बोली अगर मेरे को ये कॉलेज में हिजाब अलाउ नहीं है तो मुझे कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिला दीजिए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप हिजाब पहन के जाए, आपको परमिशन है। तो क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एक ऑर्डर किया है 2018 में, और हमें उम्मीद है कि कर्नाटक हाईकोर्ट भी यही हिसाब से चलेगा। नहीं, ये भगवा शाल पहन कर जा रहे हैं शरारती तौर पर, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये अभी आए हुए हैं, जबकि हिजाब तो पहले से पहना जाता था सर, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसके लिए किस कानून की और किस फैसले की का इंतज़ार है? ये सिर्फ एक
शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी जो मासूम स्कूल के बच्चे हैं उनको बाहर से आके कोई एक शॉल देता है भगवा और बोलता है आप पेन के अंदर चले जाइए, ये बच्चों का भी ये एजुकेशन ख़राब कर रहे हैं, इनके भी दिमाग में गंदी चीज़ डाल रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। और मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारा इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं, जो फॉलो हो रहा है, उसमें आप प्लीज़ दखल मत दीजिए। बच्चों के एजुकेशन के बारे में आप दखल मत कीजिए। आपको जो भी आपको सियासत चीज़ करना है, आप कॉलेज के गेट के बाहर कीजिए, स्कूल के गेट के बाहर कीजिए, स्कूल के गेट के अंदर मेहरबानी करके आप मत आइए। आपके जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो एक आप कहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, लेकिन कॉलेज के और बच्चों के एजुकेशन तक मत आइए। नहीं, यकीनन जैसा कहा कि आपने कि सियासत को गेट के बाहर रखना चाहिए। अभी अगर एक दूसरा भी पहलू अगर देख लिया जाए, जो भी बच्चे भगवा शाल पहन कर आ रहे हैं, तो कहीं पर भी ये भाजपा के लीडरों के बच्चे ये भगवा शाल पहनकर कहीं जा रहे हैं क्या? ये जिस भी कॉलेज में जाते हैं किसी और को लगाकर इस तरह से माहौल ख़राब करने की जो कोशिश की जाती है, तो ये भगवा शाल पहनकर दूसरों को लगाने के बजाय अपने बच्चों को वो कहाँ किस कॉलेज में भेजते हैं और वो क्या भगवा शाल पहनकर जा रहे हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं जैसे पहले भी कहा आपको, जैसे पहले भी कहा, बच्चों के दिमाग आप मत खराब कीजिए। चाहे वो दूसरे बच्चे हो या भाजपा के लीडर के बच्चे हो या कांग्रेस के लीडर के बच्चे हो, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप बच्चों का एजुकेशन का जो चीज़ है उनको एजुकेट होने दीजिए। उनके एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आप ये सब चीज़, आप सियासती चीज़ आप बाहर रखिए। ये सियासत प्लीज़ बच्चों में मत लाइए, आपस में दूरी मत बढ़ाइए बच्चों में। आज हिजाब और शॉल की चीज़ आएंगी, कल और कोई चीज़ आएंगी, और ये हमारे दिल ख़राब होते जा रहे हैं। जो ये प्लीज़ आप मत कीजिए। जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है आप देखिए, कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए और उसके बाद में हम सब मिल के बैठ के बात करेंगे। और जो भी फैसला कोर्ट का होगा, हम जानते हैं कि कोर्ट का एक अच्छा ही फैसला आएगा। हम एक पीओ बोर्ड का नोटिफिकेशन है जी। जो 2021 में हुआ था, जो यही सही यही गवर्नमेंट की थी, और ये बोले थे कि जहाँ पे यूनिफॉर्म आपके इसमें नहीं है तो आपको कोई भी चीज़ की आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे आपका लिबास है आप पहन के आइए करके। एपीओ बोर्ड का भी नोटिफिकेशन है, ड्रेस है उसी टाइप का, आप इसका पहन के आइए करके।